संपूर्ण खबर को आसवा काली उपनिर्वाचन रिजल्ट छ राज्यर सात विधानसभा आसन में आसव फलाफल बिहार दुईट आसन सहित उत्तर प्रदेश तेलंगाना महाराष्ट्र हरियाणा एवं ओडिशार गोटे आसन काउंटिंग एथपाय सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी सकाळ 8:00 आरंभ हेबो भोट गणती चार राज्य में जातीय दल और आंचलिक दल मध्ये हेउची फाइट 2024 निर्वाचन पूर्वर एक उपनिर्वाचन फलाफल ही स्पष्ट करिबो क्यों राज्य में कहार केते दबदबा किए मारिबो बाय इलेक्शन बाजी काली खोलिबो एवीएम हेबो भोट गणती छ राज्यर सात विधानसभा आसन में आसव रिजल्ट बिहार तेलंगाना महाराष्ट्र उपरे नजर शेष होछि समस्त प्रस्तुति काली सकाळु हेबो भोट गणती छ राज्यर सात विधानसभा आसन में आसव निर्वाचन फलाफल बिहार दुईट आसन सह उत्तर प्रदेश तेलंगाना महाराष्ट्र हरियाणा एवं ओडिशार गोटे आसन में हेबो काउंटिंग सबुठ चर्चार रही बिहार दुई आसन मोकामा एवं गोपालगंज उभय आसन फलाफल को नहीं बेस आशावादी अच्छा राजनैतिक दल मोकामारे मैदान को ओल्लाई आरजेडी बीजेपी सह हो सीधासलख लड़ई गोपालगंज आसन सामान स्थित बीजेपी और आरजेडी मध्य होंटे की टक्कर उभय दल जितवा नहीं बेस आशावादी रही बीजेपी एकाकी निर्वाचन लड़ता बेले आरजेडी सह अच्छा जेडीयू और कांग्रेस बीजेपी निर्वाचन जीति आरजेडी और जेडीयू को चेक देवाई उद्यम बीजेपी को परास्त करने जोर लग आरजेडी जेडीयू और कांग्रेस बिहार पर चर्चा रही तेलंगानार मुनुगुड़ विधानसभा आसन यह आसन रही त्रिकोणीय लड़ई बीजेपी कांग्रेस टीआरएस मैदान अच्छा कांग्रेस विधायक राजगोपाल रेड्डी बीजेपी में सामिल होटार उपनिर्वाचन होणु कांग्रेस सम्मान प्रश्न होता बेले बीजेपी जितवाई जोर लगनिर्वाचन तीन दल पर सम्मान प्रश्न बीजेपी तेलंगाना राज करुवा बेले बैकफुट को आसुची कांग्रेस महाराष्ट्र अंधेरी ईस्ट उपनिर्वाचन रही सभी नजर यह आसन उद्धव ठाकरे शिवसेनार बे दबदबा रही बीजेपी और सिंधे गोष्ठी प्रार्थी देना तथापि तो उद्धव ठाकरे चैलेंज सृष्टि कर आसन शिवसेनार सिंधे अलग हाँपर प्रथम थर पर मैदान को ओह्लाई उद्धव ठाकरे पार्टी मोट सात जन प्रार्थी मध्य लड़े होता बेले चारिज अच्छा स्वाधीन प्रार्थी उत्तर प्रदेश गेला गोकर्णनाथ उपनिर्वाचन में काली आसव रिजल्ट सात जन प्रार्थी भाग्य निर्धारण कर प्राय 3,90,000 भोटर बीजेपी विधायक अरविंद गिरी देहांत पर एठारे भोट होइछि बीजेपी और समाजवादी पार्टी मध्य होइछि जोरदार लड़े एपटे हरियाणा रा आदमपुर विधानसभा आसन को नहीं लगी रही चर्चा आदमपुर आसन बीजेपी और जेजेपी एक निर्वाचन लड़ुवा बेले कांग्रेस देउछि कड़ा टक्कर से भजनलाल परिवार पर आसन होउछि सम्मान प्रश्न बीजेपी रो भव्य विष्णु और कांग्रेस रो जयप्रकाश के मध्य रही लड़े आदमपुर 22 जन प्रार्थी थी बेले एम 11 जन होती अन्य निर्वाचन मंडल से भाई आसव धामनगर उपनिर्वाचन फलाफल जिला प्रशासन पक्ष ईवीएम रोकवा स्ट्रंगरूम त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करा जाई पूरा सीसीटीवी बल मध्य रही स्ट्रंगरूम आसंता का खोल स्ट्रंगरूम और ईवीएम कह धामनगर बाजी कहार सकाल 8:00 हेब भोट गणती मतगणना कार्य 8:00 आरंभ हे प्रथम पोस्टल बैलेट काउंटिंग आरंभ हे पोस्टल बैलेट काउंटिंग आरंभ हो फ्रम 8:30 ईवीएम काउंटिंग आरंभ हे ईवीएम काउंटिंग काउंटिंग सेंटर भितर काउंटिंग हॉल भितर 14 काउंटिंग टेबल व्यवस्था कराई आ गोटे काउंटिंग टेबल जोटा आरओ टेबल थी जो पोस्टल बैलेट काउंट हे एग्जिट पोल आकलन कहुची चार राज्य रे विजय हो परंती आंचलिक दल ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया शीत बढ़ुची हेले हिमाचल प्रदेश तब गुजरात रे उष्म हेउची निर्वाचन राजनीति हिमाचल प्रदेश निर्वाचन को सप्ताह बाकी थिबा बळे बीजेपी और कांग्रेस चलाइछंती हाई डेसिबल प्रचार बीजेपी पई बाजा बजाइछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस को करिछंती सीधा टारगेट सेबडे गुजरात रे बीजेपी को निशाना करिछी आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश निर्वाचन को आउ मात्र सप्ताहे रहिला हातरे किंतु प्रचार पाई मात्र 5टी दिन एभली स्थिति रे बीजेपी पाई हाई ऑक्टेन प्रचार करिछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुंदरनगर और मंडी रे से करिछंती राली
स्वाधीन भारत प्रथम भोटर श्याम नेगी 106 वर्ष बयस परलोक होता बेले श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री जाने से पहले भी उन्होंने मतदान करके अपना कर्तव्य निभाया ये बात हर देशवासी को खास करके मेरे युवा मतदाताओं को हर नागरिक को सदा सर्वदा प्रेरित करती रहेगी। हिमाचल प्रदेशवासी को कांग्रेस बड़ प्रतिश्रुति पार्टी पावर को आसिले लक्षे चाकरी देव पुरुणा पेंशन योजना लागू करने प्रति महिला को मासक 1500 टंका सहायता देव तबे कांग्रेस एते बड़ प्रतिश्रुति निरोड़ा पवन बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठे वायदे करना झूठी गारंटी देना ये कांग्रेस की पुरानी तरकीब रही है। आपको याद होगा किसानों को कर्ज माफी के नाम पर कांग्रेस किस तरह झूठ बोलती रही इसका गवाह भी पूरा देश रहा है। हिमाचल प्रदेश पर निर्वाचन इश्तहार प्रकाश करी कांग्रेस शासक बीजेपी विरोध में बेकारी और दर वृद्धि को कांग्रेस मुद्दा कर इस्ताहारे युववर्ग को नियुक्ति देखी प्रतिश्रुति इन गारंटियों में से दो गारंटी पुरानी पेंशन योजना की बहाली और 1,00,000 सरकारी नौकरियों के बारे में तो हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने यह भी ऐलान कर दिया है कि सरकार बनते ही मंत्रिमंडल की पहली बैठक में इन पर अमल हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश रे बीजेपी कांग्रेस टक्कर होता बेले गुजरात रे बीजेपी और कांग्रेस वोट को आम आदमी पार्टी अनेक मात्रा रे प्रभावित करने संभावना रही विशेषकर आप ही बीजेपी पर बड़ विपर्य सृष्टि स्थिति रे दुई राज्य विधानसभा निर्वाचन मझीरे होगा जाऊँ दिल्ली म्युनिसिपल निर्वाचन जहां आम आदमी पार्टी को एक रकम चेक दे पारे तेरे निर्वाचन पूर्व आप मुख्य अरविंद केजरीवाल कर बड़ खुलासा आम आदमी पार्टी गुजरात निर्वाचन न लड़ा को बीजेपी पक्षर कहुचारपटे जेल दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन को कॉन मैन सुकेश चंद्रशेखर अड़ुआ पकड़ बेले बीजेपी आड़ टेबुल बुलाई आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ताएं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को सुकेश चंद्रशेखर जैसे महाठग का सहारा लेना पड़ रहा है। अब जैसे चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर कौन है। गुजरात पर प्रथम पर्यायर 43 जनिया प्रार्थी तालिका प्रकाश करी कांग्रेस 43 प्रार्थी 32 जन नुआ मुह ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। धामनगर सरिला एबे पद्मपुर पद्मपुर विधानसभा उपनिर्वाचन घोषणा हला तारीख डिसेंबर 5 तारीख रे पद्मपुर उपनिर्वाचन भोट हेबो आउ 8 रे आसिबो रिजल्ट। विधायक विजय रंजन सिंह बरिहां को मृत्यु पर खाली पड़ी पद्मपुर आसन डिसेंबर 5 रे हेबो पद्मपुर उपनिर्वाचन मतदान तारीख घोषणा करिछंती भारतीय निर्वाचन कमिशन उपनिर्वाचन पर नवंबर 10 रे विधिवध विज्ञप्ति प्रकाश पाइब आई दिन ठार आरंभ हो प्रार्थीपत्र दाखल प्रक्रिया नामांकन दाखल शेष तारीख हूँ नवंबर 17 18 रे प्रार्थीपत्र जांच एवं 21 रे प्रत्याहार डिसेंबर 8 रे घोषणा हो फलाफल डिसेंबर 10 सुधा निर्वाचन प्रक्रिया सारे निर्देश देते भारतीय निर्वाचन कमिशन। विजय रंजन सिंह बरिहां मृत्यु पर पद्मपुर आसन खाली पड़ा एंटायर बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागी जायछि तो जे शेड्यूल अछि इलेक्शन रो 10 तारीख रे फॉर्मल नोटिफिकेशन होबो तापरे नॉमिनेशन रे अंतिम दिन अछि 17 नवंबर आ स्क्रूटनी होबो 18 नवंबर रे 21 तारीख लास्ट डे ऑफ विथड्रॉल 21 तारीख संध्या सुधा कैंडिडेट फाइनल हे जिवो तापरे 5 तारीख 5 दिसंबर रे पोल अछि आ 8 दिसंबर रे काउंटिंग अछि और 10 दिसंबर सुधा पोल प्रोसेस सब सरीबो।
2014 में पद्मपुर आसन विजय होते बीजेपी प्रार्थी प्रदीप रोहित किंतु 2019 प्रदीप को प्राय 5000 भोट व्यवधान में परास्त कर पद्मपुर आसन दखल करते विजय रंजन सिंह बरिहा विजय रंजन मोट 83,299 खंड भोट पाई बेले प्रदीप रोहित मिलता 77,565 खंड भोट कांग्रेस सत्यभूषण साहू पाई 32,787 भोट तारीख घोषणा सह तीन प्रमुख दल पक्ष आरंभ हो प्रस्तुति बीजेडी संतुष्ट असंतुष्ट प्रश्न नहीं आम लोक संतुष्ट करने लोक कार्य करने विकास कार्य आम समस्त अभिप्रेत आम से संकल्प से कार्यधारा एवं निर्वाचन था न था सब बेले आम लोक सहित अच्छे ब्लक प्रसंग अच्छी पानी प्रसंग अच्छी जो नेता ये समस्या पद्मपुर समस्या विधानसभा उठाइब लोके निर्वाचित करेंगे एवं से भारतीय जनता पार्टी उपनिर्वाचन में प्रस्तुत होगी अच्छे भारतीय जनता पार्टी ए उपनिर्वाचन में बहु भोट व्यवधान में विजयी हेबो अधिराज पाणिग्राही डॉक्टर एका तीन जन जाक हेडेड बाय विश्व चंद्र पटेल से जाकर पदमपुर पहुंचे और 7 तारीख भितर आमको रिपोर्ट देवे विजय रंजन सिंह बरिया मृत्यु पर परिवार बीजेडी प्रार्थी करिपारे बोली एबेठारु चर्चा आरंभ होलानी स्वर्गत विधायकों पत्नी तिलोत्तमा सिंह बरिया और पुत्रा बहु माधवी सिंह बरिया आशायी कहुची सेपरी बीजेपी पूर्वतन विधायक प्रदीप रोहित आदिवासी नेता गोवर्धन भुए जुवनेता प्रीतेश बहिदार पूर्वतन जिला परिषद अध्यक्षा मुक्ता साहू आशायी रेस अच्छा कंग्रेस पूर्वतन विधायक सत्यभूषण साहू और सुनील अग्रवाल टिकेट पर प्रमुख दावीदार बोली चर्चा हो मोर प्रति आशावादी अछन मुझे ताकर प्रति आशावादी अछे यही मत चाहूछन नवीन पट्टनायक पदमपुर निर्वाचन मंडल रे देखवार लगे बोले मुई जहाँ अधूरा स्वप्न अच्छे मोर स्वामी ता मुझे पूरा करमी बोली चाहूछे धामनगर उपनिर्वाचन फलाफल पद्मपुर उपनिर्वाचन समीकरण को प्रभावित करिवार जथेष्ट संभावना रहिछि धामनगर फलाफल को देखि तीन दल प्रार्थी चयन कसरत करते बरगढ़ रंजन देवता और भुवनेश्वर महेश प्रसाद नंद और अजेश मल्लिक न्यूज 18 ओडिया चलुच्छ इस्लामाबाद विभिन्न स्तर में पोड़ा जलाओ हिंसाकांड रास्ता को ओह्लाई इमरान को हजार हजार समर्थक इमरान को गुली मार पर सारा देश में व्यापी हिंसा मुहांमुही होती आंदोलनकारी और पुलिस इस्लामाबाद में लॉकडाउन जारी होता सत्वे लाहौर कराची मुल्तान क्वेटा रावलपिंडी पेशावर भली शहर में देखा कि लोक मैंने रास्ता को ओह्लाई प्रतिवाद कर सरकार विरोधी प्रदर्शन जोरदार हो विक्षोभकारी इमरान को समर्थन में नाराबाजी करने सहित भंगारुचा पोड़ाजड़ा कर मुख्य रास्ता को अवरोध कर इमरान को पाकिस्तान तेहरिके इंसाफ बा पीटीआई कर्मी समर्थक मैंने लाहौर गवर्नर हाउस बाहर व्यापक पोड़ाजड़ा कर सेना मुख्य जनरल जावेद बाजवा को टार्गेट कर सुरक्षाकर्मी विभिन्न स्थल में ब्यारिकेड करने सहित अनेक विक्षोभकारी गिरफ्त कर घोड़ाई रबर बुलेट और लुहबुआ गैस प्रयोग कर खान साहब को कितनी तकलीफ में कितनी उनको तकलीफ में डाल दिया है उनको कितना जख्मी किया है मेरे ख्याल में हमें लोगों को तरक्की पाकिस्तान को पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो उसको तरक्की की जगह ले जाने की बजाय उनको वापस बैकवर्ड किया जा रहा है हमारा खान साहब का एक ही एजेंडा था कि इलेक्शन कराए जाए इलेक्शन की तारीख दी जाए और हकीकी मार्च उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक ये इलेक्शन की तारीख नहीं साबित करते और ये जो इमरान खान पर जो हमला हुआ ये बुजदिलाना हमला हुआ है इसको पाकिस्तान की 22 की 22 करोड़ आवाम मुजम्मत करती है इमरान का अभियोग को खंडन करी पाकिस्तान सेना तंको हत्या करबा षड्यंत्र रे सेना मुख्य शामिल थिबाने इमरान जो अभियोग करितले ताको खंडन करी पाकिस्तान आर्मी सेना पक्षरो एने स्पष्टीकरण दिया जाइछि एवं एथि सहित मिथ्या खबर प्रचार करबा अभियोग रे इमरान को विरोध रे कार्यनुष्ठान ग्रहण करबा को सरकार को कहिछि या द्वारा सेना रा भावमूर्ति क्षुण्ण हेउछि बोली पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था इंटर सर्विसेस इंटेलिजेंस आईएसआई कहिछि आईएसआई कहिछि जने वरिष्ठ सेना अधिकारी को विरोध रे पीटीआई अध्यक्ष को ए प्रकार अभियोग संपूर्ण भित्तिहीन पाकिस्तानी सेना अति प्रोफेशनल एवं श्रृंखलित एथिरे एक उत्तर दायित्व व्यवस्था रही कौनसी प्रकार अवांछित एवं विशृंखलित कार्य सह यह जड़ित नुहे तेबे जदि यार अधिकारी सम्मान सुरक्षा को मंद उद्देश्य रखि कहीं लांछित करे तेबे सेमानक विरोध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान निया जाउ इमरान को ए प्रकार मंतव्य को सेना निंदा करुथबा प्रेस रिलीज रे कहा जाइछे
मानिला ईरान रुषिया को शहीद 136 ड्रोन ईरान ही दैछि। यूक्रेन विरुद्ध रे मस्को ए सब ड्रोन व्यवहार करतुबा नै अमेरिका समेत विभिन्न पाश्चात्य देश अभिजोग करि आसुथिले। तेहरान किंतु एहा को एडाइ दै चलीथिला, किंतु ईरान विदेश मंत्री प्रथम थर पई एहा स्पष्ट करिसेंति एवं चुक्ति अनुसारी युद्धर जथेष्ट पूर्वरु रुषिया को किछि ड्रोन दिया जाइथिला। यूक्रेन विरुद्ध रे व्यवहार पई नहे बोली कहिसेंति ईरान वैदेशिक मंत्री। तबे युद्ध रे ईरान काहा को समर्थन करूनी, दरकार पड़िले यूक्रेन सह आलोचना पई ईरान सरकार प्रस्तुत थिबा विदेश मंत्री कहिसेंति। रुषिया यूक्रेन मध्ये घमाघोट लड़े जारी रही है। यार भितर युद्ध पर यूक्रेन को सामरिक सहायता जगाई अमेरिका। प्राय 400 नियुत डॉलर पैकेज रे अमेरिका T-72 कमाण भूपृष्ठ को आकाश को निक्षेप कर हक क्षेपणास्त्र फिनिक्स घोस्ट ड्रोन आदि अनेक अस्त्रशस्त्र जगाउथबा पेंटागन घोषणा कर सहायता पैकेज रही 1100 फिनिक्स घोस्ट ड्रोन 40 बोट एवं 250 M-111 युद्ध जान। यहाद्वारा आकाश मार्ग आक्रमण प्रतिहत कर सहित विध्वंसी अस्त्र आक्रमण निरापदा रहा जान आदि प्राधान्य दि जाए। कितु जर्मान लेब्रेड अथवा आमेरिकार आब्रामस भली सर्वाधुनिक कमाण आगे T-72 कमाण शक्ति कम रही, तेणु 45 T-72 आवश्यक उन्नतीकरण पर आमेरिका पांठि जोगाइब। युक्रेन को नेदरलैंड सरकार 90 T-72 कमाण देते। सड़क दुर्घटन में शिल्पपति साइरस मिस्त्री मृत्यु मामलें केस रुजु कर पुलिस। साइरस का मर्सिडीज कार चलाउथबा मुंबई डाक्तर 55 वर्षिया अनिहिता पांडेल विरोध में आईपीसी धारा 304 मामला रुजु हो। गत सेप्टेम्बर 5 तारीख में महाराष्ट्र पालघर निकट में दुर्घटना होता। अनिहिता गाड़ी चलाउथबा बेले आगे बसी स्वामी डारियस पांडले, पछरे साइरस मिस्त्री और बंधु जहांगीर बसते। उभयर घटनास्थल में मृत्यु होता। अनिहिता और स्वामी सीट बेल्ट पिंधिथिबारु बंचिगले, किंतु गुरुतर आहत होइथिले। अनिता एबे भी चिकित्साधीन थिबा पड़े अल्प दिन तले हॉस्पिटल डिस्चार्ज होई तांकर स्वामी आसिछन्ति। सामान्य तत्परता जनक जीवन बचाई पारे, आउ सम्मिलित एवं समन्वित उद्यम असंभव को मध्य संभव करि पारे। एजेमिति अमेरिकार मिलिथिबा गोटे सुराग भारतर एक आभ्यंतरण अंचल रे आत्महत्या करबा को जाउथबा जने युवती जीवन को बंचाई पारिछि। प्रेम व्यापार को नै मध्यप्रदेश सतनार जने युवती आत्महत्या करबा को स्थिर करथिले। ब्लेड रे हाथ काटबा को उद्यम करथिले, हाथ रे विष पुड़िया मध्य धरिथिले। आउ ए सब वीडियो को से इंस्टाग्राम रे पोस्ट करथिले, जहा को देखबा परे अमेरिकार जने व्यक्ति सेठाकर साइबर पुलिस को ईमेल ले अलर्ट कराइले। आउ ईमेल पाइबा परे सेठाकर पुलिस युवती को लोकेशन को ट्रेस कला। तुरंत मध्यप्रदेश साइबर पुलिस को एने सूचना देला अमेरिका पुलिस। आउ मध्यप्रदेश पुलिस सूचना पुलिस को अलर्ट कराइला एवं आउ तापरे सतना पुलिस मात्र 15 मिनिट भितरे युवती थिबा सतनार मेहर अंचल रे पहुंची गला। आत्महत्या करबा पूर्वरु तांको बंचाई दियागला। युवती जनक सुइसाइड करबा लागि धमकपूर्ण भिडियो पोस्ट करथिले, जहां पर मात्र 55 मिनिट भितरे अमेरिकार संप्रक्त व्यक्ति ठूँ आरंभ कर सतनार मेहर पर्यंत सम्मिलित उद्यम जनक जीवन को रक्षा कला। एक इन्फॉर्मेशन के बाद स्टेट साइबर पुलिस ने एक युवती को बचाने का काम किया है। पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि सोशल मीडिया पर ये युवती करने वाली, उसके बाद राज साइबर पुलिस के हेडक्वार्टर ने तत्काल तमाम तकनीकी साक्ष्यों को इकट्ठा किया, एनालिसिस किया और उसके बाद पता चला कि मध्य प्रदेश के सतना जिले का ये पूरा मामला है। यहाँ से जानकारी कुछ ही घंटे में जो है ये जानकारी भेजी गई और उसके बाद जो है करीब 15 मिनट में जगह पर जो है सतना पुलिस पहुंची और युवती को जो है सुसाइड करने से रोका गया। जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिली थी उस पूरे मामले में करीब 55 मिनट में जो है राज साइबर पुलिस ने मध्य प्रदेश के किस हिस्से से ये लड़की जो है सुसाइड का वीडियो जो है अपलोड करने जा रही थी और जो अपलोड जो वीडियो किए थे वो कहाँ के थे, इसकी जानकारी जो है राज साइबर पुलिस ने निकाली और उसके बाद सतना पुलिस की मदद से जो है इस युवती को बचाया गया। तो किस तरीके से यूएस से एक इन्फॉर्मेशन आती है और उसके बाद यहाँ पे एनालिसिस किया जाता है और करीब
55 मिनट एनालिसिस के बाद मध्य प्रदेश में कौन सी लोकेशन है उसको ट्रैक किया जाता है और वहाँ पर 15 मिनट में पुलिस उस घर में जाके उस युवती को बचाने का काम करती है। बताया जा रहा है कि पूरा प्रेम प्रसंग का मामला था जिसके चलते ये कदम युवती उठाने जा रही थी। तो एक लड़की की जान यहाँ पर जो है एक पुलिस ने किस तरीके से बचाई और कुछ ही मिनटों में जानकारी आने के बाद किस तरीके से करीब एक घंटे के अंतराल में उस जगह को ट्रैक करने का काम किया है। तो पुलिस ने आज जो है कि युवती की यहाँ पे जान बचाई, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बाहरी देश से थे, यूएस से इन्फॉर्मेशन मिली थी और सोशल मीडिया का ये पूरा मामला था। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। T20 विश्वकप्र ऑस्ट्रेलिया विदा। गत थर चंपियन ऑस्ट्रेलिया एक दुर्भाग्यजनक स्थित सेमिफाइनाल बाद पड़े। श्रीलंका कोहराई इंग्लैंड सेमिफाइनाल स्थान पक्का कर भारत, दक्षिण आफ्रिका, पाकिस्तान और बांग्लादेश ग्रुप दुई रु क्यों दुईट टीम खेल सेमिफाइनाल रविवार मैच ता स्थिर कर। T20 विश्वकप्रे आउ एक बड़ विपर्जय। आयोजक टीम तथा गत थरर चंपियन ऑस्ट्रेलिया सेमिफाइनाल रु बाद शनिवार श्रीलंका को इंग्लैंड हरैबा परे ऑस्ट्रेलिया रो सेमी आशा होइछि धूलिसात। ग्रुप 1 रे सेमिफाइनाल टेबुल भी बड़ विचित्र स्थिति को आसेछि। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया समस्त 7 पॉइंट लेखाय पाइछन्ति। हेले उन्नत रन रेट भितरे प्रथम दल भाबे न्यूजीलैंड सेमिफाइनाल रे स्थान पक्का करि सारिथुवा बेले शनिवार मैच परे इंग्लैंड को मिलिछि सेमी टिकट और दुर्भाग्यजनक भाबे मूल जाइछि ऑस्ट्रेलिया रो आशा। शनिवार एक संघर्षपूर्ण मैच में श्रीलंका को 4 विकेट रे परास्त करिछि इंग्लैंड। श्रीलंका प्रथम बैटिंग करी इंग्लैंड आगे 142 रन विजय लक्ष्य रखिता। यह लक्ष्य पिछा कर इंग्लैंड आरंभ में लड़ुआ बैटिंग करी दुई ओपनर जोस बटलर 28 और आलेक्स हेल्स 47 रन करते। तृतीय नंबर आसीता बेन स्टोक्स अपराजित 42 रन कर विजय आशा बढ़ाई थे। तेज मध्यभाग में बैट्समैन किसी समय इंग्लैंड टेनसन बढ़ाई इंग्लैंड 19.4 ओवर में 144 रन कर विजय हासिल कर। एबे क्रिकेट प्रेमी को नजर अटकी ग्रुप 2 रो सेमिफाइनाल समीकरण उपर। ए ग्रुप रो स्थिति बड़ रोमांचक रही। एपर्यंत कौन से टीम रो सेमिफाइनाल प्रवेश स्पष्ट होनी। एबे भारत 6 पॉइंट पाए टेबुल शीर्षे रन रेट दृष्टि दक्षिण आफ्रिका और पाकिस्तान ठारु पछरे रही। कारण भारत एपर्यंत 4 मैच खेलता बेले 3 विजय हो 6 पॉइंट पाई। भारत रन रेट रही 0.730। सेपर दक्षिण आफ्रिका 4 मैच रु 2 जीति 5 पॉइंट पाइबा सह रन रेट रे भारत ठारु ढेर आगे रही। दक्षिण आफ्रिकार रन रेट हो 1.441। पाकिस्तान 4 मैच जीति 4 पॉइंट पाता बेले यार रन रेट हो 1.117। सेपटे बांग्लादेश 2 मैच जीति 4 पॉइंट पाते भी नेट रन रेट माइनस रही। यार रन रेट रही -1.276। रविवार 3 जाक मैच खेल। प्रथम मैच में मुहमु हे दक्षिण आफ्रिका और नेदरलैंड्स। द्वितीय मैच रही पाकिस्तान और बांग्लादेश मध्यरे। शेष मैच हे भारत और जिम्बाब्वे भितर। यह 3 जाक मैच फलाफल उपर निर्भर कर ग्रुप 2 रु क्यों 2 दल जीवे सेमिफाइनाल। यदि पाकिस्तान बांग्लादेश को परास्त करे तबे 6 पॉइंट पाइले भी रन रेट दृष्टि सेमिफाइनाल जाए। यह सेतबेले संभव जदि भारत और जिम्बाब्वे ठारु हारी जाए। तबे दक्षिण आफ्रिका नेदरलैंड्स को हरैले सेमिरे स्थान पक्का कर। जदि दक्षिण आफ्रिका हारी जाए और पाकिस्तान बांग्लादेश ठारु जीति जाए तब भारत और पाकिस्तान सेमिफाइनाल को जीवे। एक क्षेत्र में भारत जिम्बाब्वे हारे सेमिफाइनाल को जीवार कौन से समस्या हेनी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। भारतीय दलर पूर्वतन अधिनायक तथा निर्भरजोग्य बैटर विराट कोहली आज हो जन्मदिन। 34 वर्ष से पदार्पण करते कोहली मेलबर्न डे केक् काटि जन्मदिन पालन करते। से 2008 मसीह 14 वर्ष धरी से भारतीय क्रिकेटर प्रमुख खेला भाव में रही। महेन्द्र सिंह धोनी गढ़ अधिनायक भार ग्रहण करने भारतीय टीम को एक नंबर स्थान में पहुंचाईवा सबुठ बड़ उपलब्धि। नेतृत्व चाप अधिक रोतर ओहरी जा बैटिंग अधिक फोकस करते जहांफल से अधिक आक्रमणात्मक हो खेलुंतर बैटिंग पड़े आसे बोलर भितर भय खेल जाए। तेज क्रिकेट आधिपत्य को देखी सामाजिक गणमाम किंग कोहली आख्या दिया जाए। जीवन शिखर पहुंची सारी भी प्रशंसकों सहित भाव विनिमय से ही पुराणा कोहली भाई रही। पूर्वापेक्षा से अधिक प्रशंसकों पाखे पहुंचुंट विश्वकप अस्ट्रेलिया अच्छा विराट कोहली।